16 नवंबर को नीतीश कुमार ने सातवीं बार सीएम पद की शपथ ली। सरकार गठन के 2 महीने बाद भी नीतीश के नेतृत्व की सरकार का कैबिनेट विस्तार अब तक नहीं हो पाया। वहीं कुछ दिनों से बीजेपी और जेडीयू के बीच के रिश्तों में खटास भी साफ देखने को मिल रही है। लेकिन अब इन्हीं के बीच जीतनराम मांझी ने मांग की ऐसी जिससे सियासी घमासान और बढ़ गया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी और जेडीयू के बीच के रिश्तों में खटास साफ देखी जा रही है। जाहिर है कि पिछली बार के चुनाव के मुकाबले इस बार के नतीजों में जेडीयू अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 43 सीटें हासिल हुई हैं। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 71 सीटें हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने इस बार जेडीयू से ज्यादा 74 सीटें हासिल की, जिसकी वजह से नीतीश कुमार इस बार सीएम की कुर्सी तो हासिल नहीं कर पाए, मगर कुर्सी के साथ उन्हें बीजेपी के दबाव का भी सामना करना पड़ा। लेकिन अब प्रेशर देने के मामले में जीतनराम मांझी ने भी एंट्री ले ली है। दरअसल गुरुवार को जेडीयू और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच 2 अहम बैठक हुई। पहली बैठक बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र सिंह यादव और जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह के बीच हुई, जबकि दूसरी बैठक बीजेपी नेताओं की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई, जिसके बाद कैबिनेट विस्तार पर मंथन तेज होता दिख रहा है। लेकिन अब इसी कड़ी में जीतनराम मांझी ने भी एनडीए पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। जीतनराम मांझी ने अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि हम नीतीश सरकार पर दबाव डालेंगे कि एक एमएलसी और एक और मंत्री पद हमारी पार्टी को मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हमारी पार्टी के प्रत्याशी सभी 7 सीटों पर जीते होते तो आज सत्ता की चाबी हमारे पास रहती। अब ऐसे में ये साफ नजर आ रहा है कि नीतीश की चिंता कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी ओर मांझी की मांगों के बाद से सियासी घमासान और ज्यादा बढ़ गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।